पकड़ लिया अंकल। अंकल जी ऐसे क्यों करते हो आप? ये हमारा पहला व्लॉग, ब्रोट्यूब टीवी का पहला व्लॉग। तो हमने सोचा कि जाएंगे कहीं घूमने, और सोचा कहीं और था, आ कहीं और गए हैं, क्योंकि हमने गलत बस पकड़ ली थी, और अब गलत बस पकड़ के हम कहीं और ही आ चुके हैं। अब है नहीं पता, तो वो बस को सीधा जाना चाहिए, हमें लगा वो सीधा जाएगी, और वो बस राइट की तरफ मुड़ गई, तो हम कहीं और ही आ गए हैं। तो कोई नहीं, मैं हूँ तुषार, और मैंने क्या बोलते हैं अपनी इंस्टा आईडी पर एक पोल डाला था कि ब्लॉगिंग चाहिए कि नीचे, तो 86% लोगों ने यस करा, तो उस वजह से ये ब्लॉग बन रहा है। ठीक है, तो मैं हूँ तुषार, और मेरे साथ है तुषार ही गोस्वामी, तुषार गोस्वामी, और सलमान आया नहीं क्योंकि उसके भाई की तबीयत खराब है। सो अब देखते हैं कि आगे क्या करना है, कि हम कहाँ जाएंगे बता नहीं, पर अगर वहाँ जाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, जब हमने सोचा था सिटी पर जाएंगे, तो चलो देखते हैं हमें कहाँ जाना चाहिए। तो अभी हमने सोचा कि पैदल चलेंगे सिटी फॉरेस्ट, क्योंकि और कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है। अगर यहाँ पे मॉल है सिलेक्ट सिटी मॉल, अगर वहाँ हम जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमारे जेब में खाली 20 रुपये हैं, तो सिटी फॉरेस्ट ही चलना सही रहेगा। तो चलो चलते हैं। अदा होटल ये था गेट का जो हमें यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। हाँ तो चलिए वहाँ पहुँच के करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। सो गाइस, पहुँच चुके हैं हम सिटी फॉरेस्ट पर, हम इस लाइन में, वो उस लेन में है, तो हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो अभी मेरी उम्र छोटी है, मैं जितनी जल्दी मरना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे सेफ नहीं रहता। अगर आपको ऐसे हाईवे दिखे, फ्लाई ओवर बोलते हैं मेरे ख्याल से, फ्लाई ओवर दिखे तो इस पर से जाए, बीच रोड पर मरने की कोशिश ना करें, ऑन द स्पॉट सुसाइड सही नहीं होता। तो चलते हैं, ऊपर से जाएंगे आराम से। आ जा। हम बहुत गलत जगह उतर चुके थे, वहाँ से हमें आने में करीब काफ़ी देर लगी, और आते हमें करीब 20-30 मिनट हो गए पैदल चल के हम यहाँ आए हैं। बहुत गंदी हालत है उनका, अगली बार से इसलिए बोलते हैं कि DTC पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि DTC की बसों पे कोई ध्यान नहीं देता, किसी को नंबर पता नहीं होता। बाद में हम अपना मैप यूज़ करके हम देख सकते थे, पर हम पागल हैं। तो आ गए हम ऊपर, इसे बोलते हैं व्यू। ऑल राइट, तो यहाँ से मैं कैमरा मैन बनूंगा और गोस्वामी जी बनेंगे हमारे मेन लीड, तो ला दो भाई। चलो चल, बन ही गए आखिर मेन लीड में आ गए हो, हैं स्टार्ट है। हाँ स्टार्ट है भाई, पॉज तो करी नहीं। सो हाय गाइस, बड़ा खुश हूँ आज मैं इतने दिनों बाद मेन लीड में आके। चलो एक काम करते, से बोला लेट हो सिटी बॉस, चलना है। किसके लिए रुक रहे हो भाई? गोस्वामी इतने स्मार्ट कैसे हो भाई आप? पैदाइशी है यार। नहीं कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो आप, और इतने घने बाल कैसे हैं आपके? बचपन में बुरा पाए कुछ भी कह लो, सीधा देख के चले फट जाएगा सर, गिरते ही साथ ही सर फटा बोले। क्या आप देख सकते हो भाई, इतनी हवा है, इतनी ठंडा। हाँ यार बहुत ठंडा है आज, आवाज़ नहीं आ रही यार, बाइक वाइक की वजह तेज बोल थोड़ा। गाइस मैं कह रहा हूँ कि इतनी ठंडी इतनी हवा चल रही है, फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे लगे पड़े। हमें भी मज़ा आता है यार इसमें। मेरी ऑडियंस एक हफ्ते पहले छोड़ी हो, इस बंदी की ऑडी है
ये बंदा साइकिलों पे मम्मी की चार चूड़े लगा के ऑडी बनाता है, इसका अलग स्वैग है अपना। स्वैग आ गए। ये रहा गाइस, ये रहा। इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। ये देखो सिटी फॉरेस्ट, ये है हॉज रानी सिटी फॉरेस्ट। घुसना, घुस जल्दी। आखिरकार यहाँ बंदे खासकर घूमने के लिए आते हैं सुबह सुबह, और हम ऐसे बंदे हैं जो रात में आते हैं और शाम के टाइम आने वाले होते हैं। चल के वो प्लेस दिखाते हैं जहाँ पे हम वीडियो बना के आते हैं। ये अगर आपने देखा होगा तो ये हमारी वीडियो बनाने की जगह है यार। जिगरी वाली वीडियो में हमने एक करा था एक सीन शूट, जिसमें हम वो भैंस के नाम कुत्ते चल जाइए भाई, कुत्ते काट लेंगे, बच के चलो झाड़ियों से दूर हो जाओ, झाड़ियों से कुत्ते प्रकट हो रहे हैं दूर। बैग संभाल के, बहुत ही बढ़िया मेरी फट गई भाई कुत्तों से। एक आधा पीछे ओए, हम तो बाहुबली है, हमारी कंपनी है। एक मिनट, चैनल सब्सक्राइब कर दियो और घंटा दबाना ना भूलियो। सबसे बढ़िया चीज़ होती है यूज करने के लिए, यूज नहीं। तो आपने देखा होगा वीडियो में कैसा है सिटी फॉरेस्ट। तो मेनली मैं बता दूँ, ये है घूमने की जगह जहाँ बड़े बूढ़े घूमने आते हैं सुबह सुबह, और हम जैसे लोग हरकतें करने आते हैं। और ये वही जगह जहाँ हमारी वीडियो शूट होती है यूट्यूब की, आपने अगर देखी होगी तो। अगर आप हमारे पुराने, अभी तक तो आई कहाँ? अरे यार नहीं, पहले की यार जिगरी वाली भी तो इसी शूटिंग थी, तो यहीं पर इसी जगह पर हमने नई वीडियो की शूट कर रहे थे जो कि पूरी नहीं हो पाई क्योंकि हमारा लैपटॉप ख़राब था, नहीं है ख़राब है। सो वीडियो आएगी, पर सबसे पहले व्लॉग देख रहे थे, व्लॉग बन रहा है, ये भी आगे आएगा। मतलब आप तो देख रहे होगे तो मतलब आ चुका है, तो सही है। मतलब ये मेरे लिए घूमने की जगह, हम आगे दिखाते हैं कि आगे क्या है। बहुत बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है, ट्रैक ही ट्रैक है, हर जगह ट्रैक, हरियाली, लंबी सांस और मौसम इज ऑसम। एंकल ऐसे घूर घूर के देखना सही नहीं लगता। सो गाइस, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं चार ट्रैक हैं, लेकिन हम इस ट्रैक पे जाएंगे क्योंकि ये ट्रैक की ज़मीन ऐसी है कुछ लाल पीली हरी गुलाबी, हमें बड़ी पसंद है रंग बिरंगी चीज़ें, तो आज हम इस पे जाएंगे। चलिए आगे चल के देखते हैं। एक अंकल आ रहे हैं, उनसे थोड़े से मजे लेने की सोच है। मजे लेने की सोच रहा, 10 का नोट निकालो पहले तो शांति से। वो लाइट कहाँ से चल गई? अब शॉर्टकट मारूंगा मैं। क्या करा इसने? एक सेकंड, पकड़ लिया। अंकल अंकल जी, ऐसे क्यों करते हो आप यार? पैसे मिल रहे तो ऐसे करेंगे अच्छा हमारा ना चैनल है, इस वजह से हम वो वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको पसंद आया या फिर कभी टाइम मिले तो देखना ये। अच्छा एक बात बताओ, उठा रहे थे या फिर वापस कर रहे थे? ऐसे लोग होने चाहिए। गार्ड्स को दे देना, कोई नहीं, हमें 10 की जरूरत नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। नोट तो बड़ा रखते हैं यार। पकड़ एक सेकंड पकड़। ऐसे लोगों की जरूरत है इंडिया में, ऐसे लोगों की 10 रुपये भी उठा के वापस दे रहे। 10 रुपये कुछ आता ही नहीं है। 10 रुपये में हम भी सतमोला, इतनी महंगी हो चुकी है सतमोला भी नहीं आती 2 रुपये की। तो ठीक है अंकल, बाय बाय। यूट्यूब टीवी नाम है चैनल है ये सही था अंकल के साथ। अंकल के साथ छूट कर जैसे गाइस देख सकते हो, अंकल के घर पे सांप था, वो पैसा उठा के ले जाने वाले थे। सो अभी आपने देखा होगा कि अंकल के साथ हमने चोट कर दी बहुत तगड़ी। अब ऐसे अंकल लग नहीं रहते ऑनेस्ट, पर जब उन्होंने पकड़ लिया था ना हमने उनको कैमरे के साथ, तो ऑनेस्ट बन गए थे।
कह रहे मैं तो वापस दे रहा था, कहने का बहाना होता है, पैसे वो जेब में रख लेते अगर कोई पकड़ता नहीं तो। और हाँ मेन चीज़ ये है नो एंट्री एरिया, यहाँ जाना मना है। और जान के खुशी होगी कि इसी ना जाने वाली जगह पे हमने अपनी फेक फ्रेंड वाली वीडियो पूरी बनाई थी। सो चलो चलते हैं दिखाते हैं। यस यस भाई देख लो कोई बैठा ना हो, बैठे रहने दे छोड़ो नहीं। शॉर्टकट अगर आपने वीडियो देखी होगी तो याद होगा आपको अगर वीडियो। सो गाइस अभी हम बस घूम ही रहे थे, सडनली एकदम से बहुत अंधेरा हो गया। सो हमें लगता है जाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया भाई, जाने पड़ेगा और डर भी लग रहा है। पूरी बात बोलना, मेहनती है मेहनती है। ये देखो मिलका बनेगा ये आने वाले टाइम पर। भाई बहुत अंधेरा हो चुका है और इतने अंधेरे में यहाँ घूमना सही नहीं है। सो अब एक काम करते हैं घर चलते हैं, क्योंकि ब्लॉग पहला है तो थोड़ा छोटा बनाना चाहिए। तो थोड़ा छोटा ब्लॉग बनाते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत तगड़ा होने वाला है क्योंकि हम एक बहुत तगड़ी जगह जाने वाले हैं। तो चलते हैं बाहर की तरफ, चलो सेल्फी देखो लौंडा सेल्फी। अबा ओ स्मार्टी, अबे रुक तो, खींच ले भाई खींच ले तू। कुत्ता आ रहा आगे, चलो वो भैंस की तरफ। कुत्तों से डर लगता है बस, इतना इंसानों से नहीं लगता। और भाई की सेल्फी यार स्मार्ट। अब अभी ऐश्वर्या राय कमेंट करेगी कटरीना कैफ लाइक मारेगी तेरी पोस्ट पे। श्रद्धा कपूर तो मत बोलियो, श्रद्धा कपूर तो डायरेक्ट ऑफर मारेगी। अंधेरा है कुछ खतरनाक, वो भैंस की तरह कुत्ता। सबसे ज़्यादा डर यहाँ पे कुत्तों से लगता है और किसी से नहीं, जैसे कि इस कुत्ते से लग रहा है। मत कर, चल यार जल्दी करते नहीं सेल्फी के चक्कर में। कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है यार इधर, और अभी टाइम भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक लग रही है यार बाद अरे ठीक लग रही है ना, ठंड भी है आज काफ़ी। तो गाइस देखिए जल्दी जल्दी में और कुत्तों की जैसी कितनी बढ़िया सेल्फी आई है। दिख नहीं रही, चल वे अब दिख रही है ना, नहीं दिख रही। चारों तरफ रास्ते, सामने जाऊं इधर जाऊं किधर जाऊं, हवा में जाऊं नहीं ना। फोन है तेरे हाथ में भाई, भूल जाता है, अजीब ही बंदा है भाई। बंदा सही है, बंदा सही है, जहर बंदा है भैया। तुम देखो रात में तो फोटो खींच रहे हो, टैलेंट अंकल टैलेंट हमारा। ये देखो चील कौवे सब जानता मैं, यहाँ के चील कौवे। हाँ ये किरिस्तरी का बोया तू, कोई मिल गया वाला सारे चील कबूतर मेरे तो। किरिस्तरी नहीं कोई मिल गया भी नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, वो क्रिस थी। क्रिस भी नहीं थी बेटा, कोई मिल गया, कोई मिल गया, क्रिस ही थी, कोई मिल गया थी वो, क्रिस थी। पकड़े तू इसे, ये चील कौवे की आवाज़ से मुझे बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा बस कुत्ते खतरनाक हो सकते हैं यहाँ के, पर यहाँ के चील कौवे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इसके बाद हम जहाँ जाने वाले हो तो और भी खतरनाक है, खतरनाक ही जगह है वो। अगली वीडियो में तुम्हें पता चलेगी कितनी गंदी जगह है वो। वहाँ जाने से पहले हमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, पर हम नहीं सोचेंगे क्योंकि हम अलग टाइप के आदमी। ये देख कितना अंधेरा, देखो सबसे मेन चीज़ यहाँ, यार दिख नहीं रहा हूँ ना, सबसे मेन चीज़ यहाँ अंधेरा है, ऊपर से इतनी ठंड हो रही है इधर कि सोच नहीं सकते आप कितनी ठंड हो रही है इधर, बस हम फील कर सकते हैं। और जिस किसी को यहाँ आने का मन करे आ जाना, क्योंकि पार्क में आने की टिकट नहीं लगती, फ्री का पार्क सब पूरे बाप की रोड है सब। यहाँ बस भाई झाड़ी से दूर हो जा, भरोसा नहीं आगे झाड़ी होगा। ये आ चुके हैं हम मेन एंट्री पे, यहीं से हमने एंट्री की थी, यहीं से हम घुसे थे और राइट की तरफ खत्म। दिखा दे तो यहीं से हमने एंट्री ली थी। ओए बंद नहीं, दिखा दे।
कंप्लीट हो गया। चलो हम जल्दी से घर चलते हैं। बाय सिटी फॉरेस्ट। चल भाई, ओए भाई बस देख ले रोड क्रॉस करके, पर सही वाली बस देखियो अब की बार, कई अनमिशन जगह नहीं जानी चाहिए। रोड पार करते हुए दिखा दो। अबे भाई ऊपर से चलते हैं। नमकीन खरीद ले, पांच पांच वाली जाए कुछ खाने का उनका जल्द भाई, पांच वाली दो नमकीन ले। गाइस पांच रुपए की दो नमकीन। अबे पंजाबी तड़का ले। वैसे ठंड तो बहुत है और यहाँ आग भी चल रही है, क्यों ना मजे लिया जाए। अरे अंकल कुछ और कर रहे हैं, कहा बंद नहीं करेंगे। अरे फोटो नहीं खींच रहे अंकल, आप ही क्या मजे ले रहे। अरे किनारे रे फोटो। अरे आंटी ना मार खाएंगे, बहुत पिट चुके हैं। सुबह जल्दी चल ओए, बहुत एनर्जी इस टाइम पे। ओ भाइयों, होप सो ये ब्लॉग तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और ये नया चैनल है तो इसे फुल सपोर्ट देना यार, पुराने चैनल को भी फुल सपोर्ट दो, उस पर वीडियो आएगी ऊपर ब्लॉग के लिए। तो गोस्वामी जी क्या बोलना चाहेंगे आप? बाय गाइस और सब्सक्राइब जरूर करें इस ब्लॉग को, चैनल को। अबे यहाँ कौन साइकिल चलाता है? पकड़ो अंकल को। बाय हल्दीराम।